Hi guys, welcome back to Ask MBA. My name is Sneha and today in this video, I'm going to talk about CET exam. So CET exam ke under aap sab, I hope you everyone have filled the form because aaj last date hai CET ke form fill karne ka and fingers crossed. कि और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने चाहिए डेट्स ताकि CET एग्जाम टाइम पे हो जाए एंड वी ऑल गेट इनटू दिस जो MBA के एडमिशन्स हैं कॉलेजेस के वो जल्द से जल्द चालू हो कि आपके MBA की जो जर्नी है वो ज़्यादा डिले ना हो कि जून जुलाई में स्टार्ट हो जानी चाहिए. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें जब आप मॉक्स की बात करते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा है, अराउंड वन मंथ ऑफ टाइम इज लेफ्ट फॉर द एग्जाम. लेट्स थिंक एंड एनालाइज आवरसेल्फ उसी हिसाब से ताकि अगर डेट्स एक्सटेंड भी होते हैं तो हम रेडी हैं CET के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, एक अच्छा स्कोर टारगेट करने के लिए. तो उसके लिए गाइस अभी से आपका जितना भी सिलेबस हो चुका है या जैसे आप किसी कोचिंग क्लास से लिंक्ड है या मे बी आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका जो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके वर्बल क्वांट लॉजिकल रीजनिंग के अंडर आते हैं वो सारे कवर अप हो चुके हैं. अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप आई मीन यू हैव गॉन थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे आप उसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर चुके हैं. तो अब आपका टाइम आता है मॉक देने का. ठीक है, मॉक के लिए ठीक है सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस गाइज, द डोर वॉज ओपनिंग. सो या मॉक्स देने के लिए गाइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना या उसको समझना कि हमने क्या क्या गलतियाँ की है. तो आपका जो मॉक का जो एग्ज़ाम है जो आप CET का मॉक दोगे उसके अंदर आप कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर आपने परचेज किया है या मे बी इफ यू वॉन्ट टू परचेज इवन वी डू हैव मॉक्स फॉर CET एग्जामिनेशन जिसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ मॉक्स आते हैं. तो इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ तीन टॉप टिप्स या मैं आपको बोलूँगी ये तीनों चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप CET का मॉक दे रहे हो. सबसे पहली चीज़ है कि आपको तुक्का नहीं मारना है जब आप मॉक देते हो. एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वी ऑल नो कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दैट टाइम यू कैन गिव चांसेस बट उसके अंडर भी एक प्रोसेस रहता है. आप रैंडमली जय माता दी देके तो आप नहीं बोलने वाले हो राइट कि भाई टिक कर लिया क्या पता ये सही हो जाए. उसमें भी होता है एलिमिनेशन मेथड, उसमें भी एक अप्रोच होती है जिसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपने जो क्वेश्चन को जो आपने आंसर जो टिक किया है जिसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो सबसे पहले मॉक जब आप दोगे आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको देखना है कि आपने किस तरीके के कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो ही आपका फाइनल आपको जो स्कोर है आपको वो प्योर मिलेगा. तुक्का मार के आपको नहीं एनालाइज कर पाओगे ना ही आप प्रिडिक्ट कर पाओगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम मैनेज करोगे वहाँ पे. जब आप मॉक दे रहे हो द टाइमलाइन वहाँ पे चलता रहता है, हर एक सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप कोई भी सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करोगे. आप ईगो सॉल्विंग बिल्कुल नहीं करना है, यार ये पजल मैंने सॉल्व किया था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आता है मैं आधा घंटा और डालूंगा, मैं 15 मिनट ऑलमोस्ट मैं क्लोज हुई सॉल्व करने के लिए एंड यही करते करते आपका हाफ एन आवर और 15-20 मिनट्स चले जाएंगे. चाहे वो क्वांट के किसी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, आपको आ रहा था जब आप बुक से सॉल्व कर रहे थे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, बट आप ये मिस्टेक मॉक देते वक्त नहीं करोगे. यू हैव टू वैल्यू द टाइम क्योंकि CET के एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा कम है. आपके पास 200 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए. अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में अगर 5 मिनट से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है तो आपके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा. तो मेक श्योर कीजिए कि आप टाइम मैनेज कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप ईगो सॉल्विंग नहीं कर रहे. इसको हम ईगो सॉल्विंग का मेथड बोलते हैं. हमने आज के MBA के स्टूडेंट जितने भी हो वी हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है. तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एनालाइज करना. मॉक तभी ही मतलब का बनेगा या आप जब कोई भी मॉक अटेम्प्ट करते हो उसको एनालाइज जब तक आप नहीं करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. अगर आपने 2 घंटा दिया है एग्जाम मॉक देने के लिए तो आपको एटलीस्ट 4 आवर्स उसमें इन्वेस्ट करने हैं कि कहाँ पे मेरी गलती हुई, कौन से क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लगा सॉल्व करने के लिए या कौन से क्वेश्चन को मैं कम टाइम देके I could have improved. और ये सारा एनालाइजेशन आपके जब आप कोई भी मोस्ट प्रॉब्ली आई मीन मोस्टली इन आस्क MBA के जितने भी मॉक्स हैं या जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम आपके मॉक स्केड्यूल करते हैं उसके अंदर सारा एनालाइजेशन दिया जाता है कि आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है पर क्वेश्चन. मतलब समझो अगर मैंने टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिया और उसमें मुझे 5 मिनट लगे हैं एंड उसकी एक्यूरेसी मुझे नहीं आई तो दैट क्वेश्चन आई डिडंट हैव टू अटेम्प्ट. यही तरीका है, यही एक अप्रोच है जिसमें आप मॉक में अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने. समझो आज एक मॉक गया, गिव योरसेल्फ 2 डेज का ब्रेक, बैक टू
यू बैक, अरे यार मैंने 10 मॉक दे दिए, मैंने 15 मॉक दे दिए, सेंस नहीं बनने वाला है, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनने वाला है। उसका एनालाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप वो सेम मिस्टेक्स आगे जाके दूसरे मॉक में या तीसरे मॉक में नहीं करोगे। देन यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दिस 3 टिप्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, और यू कैन गिव अस अ कॉल और लेट अस नो और व्हाट्सएप अस, वील शेयर यू द डिटेल्स। इन केस इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन फॉर CET क्रैश कोर्स वेर यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड योर यू नो यू ऑलरेडी स्टडिंग एंड यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रश अप, सो वी डू हैव फ्यू वर्कशॉप प्रोग्राम्स बीन इन्वॉल्व। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट इन टच विद अस फॉर द सेम। आई होप कि आप ये 3 टिप्स जो मैंने अभी जस्ट बताया आप फॉलो कर रहे हो, एंड मेक श्योर यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।